की कथा सुनना कि एकादशी का आपसे आपसे आपके बच्चे पूछेंगे, मम्मी हम भगवान विष्णु का दर्शन करते हैं, हम राम जी का दर्शन करते हैं, हम कृष्ण भगवान का दर्शन करते हैं, हम भवानी माता का दर्शन करते हैं, हम शंकर जी का दर्शन करते हैं, हम सारे देवी देवताओं का दर्शन करते हैं, पर ये एकादशी माता तो कभी नजर ही नहीं आती। पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि तुम जिस एकादशी का व्रत करते हो इनका जन्म कहां से हुआ, कहां जन्मी थी, एकादशी की जन्म स्थली कहां है। भाई भगवान कृष्ण की जन्मस्थली तो मथुरा है, श्री राम जी महाराज की जन्मस्थली बोल दो जम के अयोध्या है, कोई आपसे पूछ ले कि एकादशी की जन्मस्थली कहां है तो आधे लोग तो बाल खुजाने में लग जाएंगे कि एकादशी आखिर पैदा कहां हुई थी, जन्म कहां लिया था, इसका जन्म हुआ कहां था, कहां जन्मी थी ये। इसका जन्म स्थल है कहाँ, और अगर मान लो जन्म स्थल एकादशी का है और एकादशी अगर जन्मी है, उसका जन्म हुआ है और दुनिया के लोग इतना व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो फिर इसका जन्म स्थल कहां होगा। तो कहा इसका जो जन्म स्थल है वो बद्रीनाथ, कहां पर है बद्रीनाथ, और उस बद्री विशाल में भी एक गुफा जिसका नाम है हेमवती। क्या नाम है? हेमवती। उस गुफा में एकादशी का जन्म स्थल है, बद्री विशाल में हेमवती गुफा जो 12 योजन अंदर प्रवेश करने जितनी है, 12 योजन की गुफा के अंदर हेमवती के अंदर एकादशी का प्रागट्य हुआ था, एकादशी का जन्म हुआ था। अब तो बता सकते हो ना कि कोई पूछे कि राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, और कोई पूछ ले आपका जन्म कहाँ हुआ था, अपन कह सकते ना सीहोर में हुआ हमारा, और आपसे कोई पूछे कहाँ हुए तो कहे इंदौर में हुए कि देवास में हुए कि भोपाल में हुए कि मुंबई में हुए कि पुणे में हुए, आपका तो बता दोगे। पर बच्चे आपसे पूछ ले मम्मी तू इतनी एकादशी का व्रत करती है, एकादशी का तू व्रत करती है और सबको करा देती है कि बल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो, और सबको एकादशी कराया, तो कोई पूछ ले कि एकादशी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप कह सकते हो कि बद्री विशाल में हेमावती में, बद्री विशाल के हेमावती गुफा के अंदर जो 12 योजन की गुफा है, उस गुफा में एकादशी का जन्म हुआ है। कब हुआ? जन्म होने का कारण राम जी के जन्म होने का कारण था रावण का संग्राम, भगवान कृष्ण के जन्म होने का कारण था कंस का संग्राम, नरसिंह भगवान के जन्म होने का कारण प्रकट होने का कारण था हिरण्यकशिपु का संगा, वराह भगवान के प्रकट होने का कारण था कि पृथ्वी को जल पर लाकर ठहराना हिरण्याक्ष का संगा। तो फिर इसके जन्म का कारण क्या है? तो कहा इसके जन्म का केवल एक कारण है, सतयुग में। अब एक और बात का बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, सतयुग एक बार नहीं हुआ कि तुम सोचो कि सतयुग के बाद में द्वापर त्रेता आ गया, त्रेता के बाद द्वापर आ गया, द्वापर के बाद कलयुग का, एक सतयुग नहीं है, एक त्रेता नहीं है, एक द्वापर नहीं है, ना जाने कितने कितने सतयुग निकल गए, ना जाने कितने कितने द्वापर त्रेता कलयुग ना जाने कितने निकल गए।
और आप और हम जैसे भी इस पृथ्वी पर ना जाने कितने, अरे जम के तो बोलो, निकल गए। पृथ्वी वहीं की वहीं है, जिस मकान में रहते हो वो मकान भी वहीं की वहीं है, बस कभी कभी एकदम प्लाट हो जाता है, फिर उस पर वापिस बन जाता है, फिर क्लीन फिर बन गया, फिर क्लीन फिर बन गया। ना जाने कितने 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 जन्म हम ले चुके हैं और हमारे भी आगे कजन कितने जन्म होते रहेंगे। जमीन वहीं की वहीं रह जाएगी और अपन चले जाए, बस वो जगह वहीं रह गई जो पहले परदादाजी की थी, दादाजी को मिल गई, दादाजी की थी पिताजी को मिल गई, पिताजी की थी उनके बेटे को मिल गई, उनके बेटे से उनको बेटों को मिल गई, मिलते 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 कब वो जमीन भी बिक गई समय की अवस्था में, फिर दूसरे की हो गई। और हम सोच कर रह गए कि ये हमारा है, हम इसके लिए लड़ाई करें, झगड़ा करें, हम केवल इस जमीन के लिए, जरा सी प्रॉपर्टी के लिए अदालत में खड़े, अपना समय बर्बाद कर दिए और जो पाना था वो छोड़ दिए। जो पाना था वो छोड़ दिया। असली रजिस्ट्री तो ये शिव महापुराण की कथा है, जिसमें बैठकर आप 3 घंटा भगवान की भक्ति को जो धारण कर रहे हो, 3 घंटा जो भगवान की कथा को आप श्रवण कर रहे हो, 3 घंटा जो भगवान की भक्ति में आप डूबे हुए हो, 3 घंटा जो भगवत स्मरण में आप लगे हुए हो, बस यही असली रजिस्ट्री है, यही वहाँ काम आने वाली है। इसके सिवा कुछ काम नहीं आएगा, धन दौलत माल खजाना सब पड़ा की पड़ा रह जाना, सब धरा की धरा। रही गया वो एक लाइन, आप लोग स्मरण करते होंगे, सज धज के जिस दिन सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, पड़ा रह जाएगा। लॉकर में पड़ा की पड़ा है, अलमारी में धरा की धरा है, कपड़े भी सारे घड़ी बने की बने रहते, कपड़े भी धरे की धरे रह गए। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सब पड़ा रह जाए, धरा की धरा रह जाएगा, सब पड़ा की पड़ा रे। सबसे पहला नियम एकादशी व्रत का, सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो, भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में
कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी के दिन। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज, कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा, एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन क्षीण करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो, तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है, जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा, तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो। और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना कितना असत्य, कितना कितना झूठ, कितना कितना प्रपंच वो समाप्त तो हो जाएगा, इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कौपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता। हर हर महादेव।